नमस्कार दोस्तों, योग जर्नी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे वीडियोस को आपका इतना प्यार मिल रहा है, देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ से जुड़ा हुआ है जो हम जब इस दुनिया में आते हैं और जब तक इस दुनिया में रहते हैं तब तक वो हमारे साथ है, यानी कि हमारी सांसें। हमारी सांसों का हमारी लाइफ में क्या रोल है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सांस लेने का सही तरीका क्या है। सुनने में थोड़ा फनी लगता है कि सांस लेने का भी कोई तरीका होता है, ये तो नेचुरल है, छोटा बच्चा भी जानता है कि सांस कैसे ली जाती है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो उससे हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सांसों का क्या रोल है हमारी लाइफ में, हम रोज़ सुनते रहते हैं, बाबा रामदेव जी हमें बताते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम, श्री नरेंद्र मोदी जी, हाल ही में जो योगा डे सेलिब्रेट हुआ था उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए ताकि हम कोरोना वायरस से लड़ सकें। आयुष डिपार्टमेंट, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो सभी लोग इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि हम राइट ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करें और अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो आज का जो वीडियो है ये इसी चीज़ पर बेस्ड है कि हम किस तरह से राइट तरीके से ब्रीद करें कि हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। तो दोस्तों, जब हम सांसों की बात करते हैं तो योग में तीन तरह की सांसें बताई गई हैं। एक होता है उदर श्वसन, यानी पेट से ब्रीदिंग करना, यानी जब आप सांस लेते हैं तो पेट बाहर जाता है और सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है, इसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एक और तरह की ब्रीदिंग होती है जो बोलते हैं वक्ष श्वसन, यानी कि चेस्ट ब्रीदिंग। चेस्ट ब्रीदिंग में जब आप सांस भरते हैं तो चेस्ट बाहर जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट अंदर जाता है। ये सीधा सीधा हमारे इमोशंस से रिलेटेड है। आपने खुद ने महसूस किया होगा कि जब हमारे इमोशंस में चेंज आता है, यानी जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो उस वक्त हमारी सांसें तेज़ तेज़ चलने लगती हैं, हमारा चेस्ट हाँफने लगते हैं हम लोग, राइट? तो ये चेस्ट ब्रीदिंग हो गया। तीसरी तरह की जो ब्रीदिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्लेविक्यूलर ब्रीदिंग, यानी कि जब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। सपोज़ प्लेयर्स जो हैं वो दौड़ रहे हैं, आप जॉगिंग करके आए हैं, साइकिलिंग करके आए हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो उस वक्त हम थोड़ा यहाँ पे दम लगा के इस तरह से ज़्यादा सांसें लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। आपने भी महसूस किया है ऐसा, राइट? या जो लोग एस्थमेटिक होते हैं उनको जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो भी इस तरह की ब्रीदिंग करते हैं। तो हमें जो करना है वो ये करना है कि तीनों तरह की ब्रीदिंग जो है उसको एक साथ कंबाइन कर दें, और जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग, या हम इसे बोलते हैं कंप्लीट ब्रीदिंग। तो कंप्लीट ब्रीदिंग में हमें क्या करना है, तीनों को मिलाना है, यानी पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग, फिर चेस्ट ब्रीदिंग, एंड देन लास्ट में यहाँ से थोड़ा सा और सांस भरना है। तो ये हम शुरू करें, उससे पहले एक बार आप खुद चेक कीजिए कि आप किस तरह की ब्रीदिंग करते हैं। 10 सेकेंड हम लोग आँख बंद करते हैं और चेक करते हैं कि आप इस वक्त कौन सी टाइप की ब्रीदिंग कर रहे हैं। आँखें बंद करें, एक लंबा गहरा सांस लें, पूरा सांस बाहर छोड़ दें, एकदम रिलैक्स, और अब ऑब्जर्व करें कि आप इस वक्त किस तरह की ब्रीदिंग कर रहे हैं। रिलैक्स, आंखें खोल दें। महसूस किया आपने कौन सी ब्रीदिंग चल रही है? तो अब हमें इस हैबिट को चेंज करना है। हम जब भी, और इसके लिए आपको कोई अलग से टाइम नहीं निकालना है, जब भी आप रिलैक्स हों, चाहे आप ऑफिस में बैठे हैं, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और माइंडफुल ब्रीदिंग कीजिए, या आप किचन से काम करके आए, टीवी देख रहे हैं,
दो मिनट का ब्रेक लीजिए और चेक कीजिए कि हम कैसी ब्रीदिंग कर रहे हैं, और उसको फिर प्रैक्टिस कीजिए कि हम योगिक ब्रीदिंग करें। कैसे करेंगे? सांस भरेंगे, पेट से सांस भरना शुरू करें, पेट पूरा बाहर आएगा, उसके बाद सांस को धीरे धीरे ऊपर लाएं, चेस्ट में सांस भरें, और उसके बाद थोड़ा सा और यहाँ से और रिलैक्स सांस छोड़ेंगे, पहले यहाँ से, उसके बाद चेस्ट को अंदर लेंगे और सबसे लास्ट में पेट को अंदर खिंचवाएंगे। ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। सांस भरें, पेट में अंदर सांस भरेंगे, पेट बाहर जाएगा, चेस्ट तक लेके आइए, चेस्ट बाहर जाएगा, और फिर थोड़ा सा और। अभी रिलैक्स, सांस छोड़ेंगे, चेस्ट अंदर और पेट को पूरा अंदर दबा दीजिए एंड रिलैक्स। तो ये हो गया कंप्लीट योगिक ब्रीदिंग। अगर आप इस तरह से ब्रीदिंग करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको ये आदत बन गई है, आप अपने लंग्स को मैक्सिमम यूज़ कर पा रहे हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग होते जा रहे हैं, आप फिजिकली स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और आपका लाइफस्टाइल जो है, आपका जो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो थी वो धीरे धीरे ठीक होती जा रही हैं, क्योंकि सांसों पे हर चीज़ निर्भर करती है। सांसों का बहुत महत्व है, तो कोशिश करें कि योगिक ब्रीदिंग करें। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और जो भी आपके सजेशंस हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो हम उसी चीज़ पर बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, हैव अ नाइस डे।